हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इतनी ज्यादा कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है और एमआरपी ऑप्शन खाली लेकर कि कैसे चालू किया जाए, इसको लेकर के इतने ज्यादा कमेंट्स आए हुए हैं, तो आज उसी का जवाब देता हूं। टेलीप्राइम यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है, और ईआरपी 9 में भी तरीका सेम ही है। तो आ जाते हैं टेलीप्राइम के विंडो पर। तो ये टेलीप्राइम का गेटवे ऑफ टेली जो मेन मेन्यू है वो खुला हुआ है। यहाँ पर एक कंपनी दिख रही है, लेकिन हम कंपनी अलग से बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर कंपनी अलग से बनाते हैं, ये गए हम कंपनी पर और यहां से चले जाएंगे नेविगेशन की का प्रयोग करते हुए क्रिएट कंपनी पर। एंटर प्रेस करेंगे, फॉर्म खुल जाएगा क्रिएट कंपनी वाला। ये फॉर्म खुल चुका है, इस फॉर्म को फिल कर लेते हैं। तो हम यहां पे नाम दे देते हैं, जैसे चलिए मैं यही पढ़ाता हूं, इसी का नाम दे देता हूं, आरएनएच एकेडमी, ठीक है। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस, ये हमने डाल दिया एड्रेस, ठीक है। एंटरप्रेस किया। यहां पर स्टेट डालना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, तो स्टेट भी डाल लेते हैं। ये स्टेट डाल लिया और पिन कोड वगैरह आप दे दें तो बेहतर। तो ये डाल दिया पिन कोड भी। एंटरप्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। यहां पे देखिए फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होगा, तो फाइनेंशियल ईयर शुरू करते हैं 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1/4/2020 से शुरू करते हैं। एंटर करते हैं, काम भी हमारा 1/4/2020 से शुरू हो रहा है। कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, आगे की विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद कौन से विंडो आती है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको जीएसटी इनेबल करना है कि नहीं करना है वो सब चीजें देख लीजिए। तो हमें तो जीएसटी इनेबल करना ही करना है, तो यहाँ पर आते हैं और जीएसटी यस कर देते हैं। ये दिख रहा है आपका स्टेट, और रेगुलर जीएसटी फाइल करेंगे एंड यहाँ पर आएगा जीएसटी कब से एप्लीकेबल हो रहा है, और यहाँ पे आएगा जीएसटी आई एन नंबर, ठीक है। तो आपने अपना जीएसटी आई एन नंबर बनवाया होगा तो वो डाल दीजिएगा, और टैली इसको वेरीफाई करेगा। मंथली जीएसटी फाइल करेंगे हम। ईवे बिल को अभी नो रखता हूं। यहां पर आते हैं, यहां वाई प्रेस करते हैं, यहां पर आ गए। अब यहां पर हमें जीएसटी लगाना है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट यही जीएसटी लगेगा। तो मान लीजिए हम 18% का जीएसटी लगा दे रहे हैं। एंटर प्रेस करते हुए नीचे आइए, ये आ गए, और अब इसको कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। यहां पर देखिए ऑनलाइन एक्सेस के लिए ये यस हो गया है, इसको भी अभी नो रखते हैं, इसकी अभी यस वस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आरएनएच एकेडमी, ये कंपनी हमने बना ली, ठीक है। पहला काम कंपनी में रिसीविंग का होगा, कैश रिसीविंग का, ठीक है। तो सबसे पहले कैश रिसीव करा लेते हैं, तो इसके लिए चलेंगे रिसिप्ट वाउचर में। प्रेस कीजिए कीबोर्ड से F6 फंक्शन बटन, आ गया रिसिप्ट वाउचर में। अब यहां पर कभी कभी दिक्कत क्या होती है कि डेबिट क्रेडिट का फॉर्मेट आ नहीं रहा होता। सबसे पहले डेट चेंज कर लेते हैं, लिया। अब यहां पर देखिए प्रॉब्लम आ गई, यहां पर डेट जो है सही हो ही नहीं पा रहा है, प्रॉब्लम है। तो अभी हम चेक करते हैं फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या है, तो बाहर आ जाते हैं। जब हमने कंपनी बनाई थी तो हमारा फाइनेंशियल ईयर ये है 19-20 है, इसको हम चेंज कर देते हैं 1/4/2020 31/3/2021 कर देंगे, 31/3/2021 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है। अब एंट्री पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो यहां पर आए, एंटर प्रेस किया, 1 अप्रैल 2020 आ रहा है। और यहां पर सबसे पहले लेजर बना लेंगे, क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्ट होने वाला पैसा कहलाता है कैपिटल अकाउंट, तो ये शब्द याद रखिएगा, कैपिटल अकाउंट। और एंटर प्रेस करेंगे, ये जाएगा अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट में कर दीजिए इसको। एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाइए और एक्सेप्ट करा लीजिए। कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं वो यहां पे डाल दीजिए। तो मान लीजिए इतना कैपिटल मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, यहाँ पे डेबिट आ रहा है तो कैश को डेबिट कर देंगे। एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा लेंगे, ये काम हो गया हमारा। नरेशन चाहे तो आप डाल सकते हैं, बाहर आ जाइए। कैश रिसीविंग हो चुकी है, अब करना क्या है, अब हमें परचेज वाउचर में एंट्री पास करनी है। तो वी प्रेस कर लेते हैं, परचेज वाउचर के लिए आप F9 प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर मैं परचेज वाउचर में आ चुका हूं। कभी कभी दिक्कत क्या होती है कि जैसा मेरा आ रहा है ना, ये परचेज वाउचर में नेम ऑफ आइटम, फिर क्वांटिटी, रेट, इस तरह के कॉलम्स नहीं आते हैं। तो कल मैं पढ़ रहा था तो एक कमेंट ऐसा भी आया था कि मेरा तो यूनिट का कॉलम ही नहीं आ रहा है। तो जो बिगिनर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम बहुत होती है इस तरह की। तो देखिए यहां पर जो है एक मोर डिटेल का ऑप्शन है, ठीक है, और यहां पे चेंज मोड का ऑप्शन है, ठीक है। तो कभी कभी ये वाउचर मोड में चला जाता है, ठीक है, तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। इनवॉइस मोड में इस तरह, देखिए यहां पे चेंज मोड पे गए, अगर अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में चला जाएगा तो ये इस तरीके से आएगा, और अगर बाउचर मोड में ये चला गया, ठीक है, ये चेंज मोड पे गया और बाउचर मोड में गया तो ये ऐसे आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर क्रेडिट तो शो कर रहा है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि यहां पर आइटम का नाम लिखने के लिए आ ही नहीं रहा है, तो इस कंडीशन में दिक्कत होती है।
तो आप मोड को चेंज कर लें, यहां से मोड को चेंज कर सकते हैं, चेंज मोड पर जाकर यहां पे जाइए और इसे आइटम इनवॉइस मोड में लेके आ जाइए। आ गए, अब यहां पे नेम ऑफ आइटम आएगा, ठीक है। यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, जो भी इनवॉइस नंबर हो। 1 अप्रैल 2020 को ये हो रही है खरीदारी, ठीक है। अब यहां पर आएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर। देखिए परचेज वाउचर जब भी इस्तेमाल करेंगे तो क्रेडिटर पार्टी का लेजर आता है, क्लियर है। अब यहां पर आते हैं क्रिएट पर और यहां पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर बना लेते हैं। लेजर बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप यहां पर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, देखिए क्रिएट दिया हुआ है, ये देख रहे हैं, माउस का कर्सर मैं लेके जाता हूं, ये देखिए क्रिएट दिया हुआ है, यहीं पर माउस से क्लिक कर सकते हैं या नेविगेशन की का प्रयोग कीजिए और यहां पर आ जाइए और एंटर प्रेस कर दीजिए। ये सब नहीं करना चाहते तो आपको खाली अल्ट के साथ सी प्रेस करना है। अल्ट के साथ सी प्रेस करते ही एक नया लेजर क्रिएशन वाली विंडो खुल जाएगी, खुल गई। अब यहां पर करना क्या है, यहां पे लेजर बनाना है। कैसे बनाएंगे लेजर, देखिए आ गया है, इसमें नाम लिखिए, जैसे क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाना है, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं रोहन बुक एंड बुक्स एंड स्टेशनरी, ये क्रेडिटर पार्टी है, ठीक है। एंटर प्रेस किया। अब ये कहां जाएगा, कौन से ग्रुप में जाएगा, तो सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में क्रेडिटर पार्टी जाती है, ठीक है। ये सन्ड्री क्रेडिटर है तो यहां पे सन्ड्री क्रेडिटर रख लीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, सब छोड़ दीजिए, सब भर ओढ़ लीजिएगा, एंटर प्रेस करके और एंटर प्रेस कर देता हूं, यहां पे आ गए। अब ये सब भी भर लीजिएगा आप कि जो भी सामान आ रहा है वो किस चीज के थ्रू डिस्पैच हो रहा है, आ रहा है आपके पास, डेस्टिनेशन कहां जाएगा, कैरियर एजेंट नेम, ये सारी चीजें यहां पर आ गए। एंटर प्रेस करके यहां पर आ गए। आप चाहे तो इनका भी GSTIN डाल सकते हैं। अब यहां पर बनेगा परचेज अकाउंट का लेजर। देखिए ना यहां पे लिखा हुआ है परचेज लेजर, ये देखिए परचेज लेजर लिखा है ना, तो यहां पे परचेज अकाउंट का लेजर बनाइए। वही तरीका, क्रिएट पे जा सकते हैं या अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए। मैं अल्ट के साथ सी प्रेस कर रहा हूं, देखिए आ गया ना। अब यहां पे लिख दीजिए परचेज अकाउंट, ठीक है। एंटर प्रेस किया। यहां पे आए पी प्रेस कीजिए परचेज अकाउंट के लिए और ये परचेज अकाउंट कर दीजिए, कर दिया। एंटर प्रेस कीजिए और ये सब एक्सेप्ट करा लीजिए। अब आ गया यहाँ पे ना परचेज अकाउंट। अब यहां पर आइटम की बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहां पे आए और यहां पे क्या करता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं केमिस्ट्री बुक, ठीक है। एंटर प्रेस किया। अब यूनिट वा आता क्या नहीं है, यूनिट क्यों नहीं आता है आखिर, आप यूनिट ना आने के पीछे कारण क्या है, यूनिट ना आने के पीछे कारण यही है कि आप यहां पे नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आगे, अब यूनिट आपने बनाया नहीं तो अब सीधा आपका कर्सर कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम है, ये एक तरीका है, ठीक है, इसलिए दिक्कत आती है। दूसरी बात, अगर आप सीधा यहां से परचेज वाउचर में है और यहां पर अगर आपने मोड चेंज नहीं किया है, जैसे आपका मोड जो है चेंज हो जाता है कभी कभी, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड या वाउचर मोड में होता है, तो आप कहते हैं कि मेरे में यूनिट तो दिख ही नहीं रहा है, खाली रेट और अमाउंट दिख रहा है, यूनिट तो आ ही नहीं रहा है, इस कंडीशन में भी दिक्कत हो जाएगी। तो यहां से मोड को चेंज कर लीजिएगा जरूर, मैंने पहले भी कहा था फिर कह रहा हूं, ये मोड चेंज हो जाएगा, अब यहां पर आप आसानी से एंट्री पास कर पाएंगे। परचेज अकाउंट आ गया। अब यहां पे आइटम का नेम देना है, ठीक है। आइटम का नेम देते समय भी ध्यान रखना है, कर्सर क्वांटिटी में तभी जाएगा जब आप क्वांटिटी बनाए रहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे सी प्रेस करता हूं, केमिस्ट्री बुक आ गई। अब देखिए सीधा ये कहां आ रहा है, अमाउंट में आ जा रहा है, हम ये चाहते हैं कि क्वांटिटी में आए। अब प्रॉब्लम यहां भी क्रिएट होगी, आपने केमिस्ट्री बुक जो बनाया है ना वहां पर जाना पड़ेगा आपको। तो यहां से जाइए अल्टर पे और फिर यहां पर आ जाइए स्टॉक आइटम पर और एंटर प्रेस कीजिए और यहां पर फिर एंटर प्रेस कीजिए। आप देखिए जब यूनिट में नहीं बनाएंगे तो कैसे होगा, तो यूनिट बना लीजिए, यहां से क्रिएट पे चले जाइए और यहां पर यूनिट बनाता हूं, यहां कर देता हूं पीसीएस पीसे और फॉर्मल नेम इसका दे देंगे PIECES पीसेस, ओके। और इसका कोड आएगा तो ये देखिए पैक्स पैकेट पीसेस, तो ये कोड डाल दीजिए। अब ऐसा थोड़ी ना कोई ढाई किताब लेता है, साढ़े तीन पौने तीन, ऐसे थोड़ी ना, किताब एक होगा दो होगा तीन होगा, तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस जीरो रखिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, ये हो गया। बैचेस की डिटेल देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अलग अलग जीएसटी लगाना चाहते हैं तो यहां से लगा सकते हैं, लगाना चाहते हैं तो यहां से लगा सकते हैं, फिलहाल वही रहने देता हूं जो हमने दिया था 18% जीएसटी इनेबल करते वक्त, ठीक है। तो ये बन गया केमिस्ट्री बुक। अब आप जब जाएंगे परचेस वाउचर में तो ये देखिए यहां पे आए, यहां पे करेंगे हम
क्रिएटर पार्टिकल लेजर। अच्छा, क्रिएटर पार्टिकल लेजर जनरली तब दिया जाता है जब आप उधारी की खरीदारी कर रहे होते हैं, माने खरीदारी उधारी में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गए, अब यहां पर क्या करेंगे, हमने बनाया था केमिस्ट्री बुक, एक तो केमिस्ट्री बुक ले लिया हमने, ये ले लिया ना, एक ही स्टॉक आइटम लिया केमिस्ट्री बुक। अब ये 60 यहां पे रखा, 60 पीसेस, और एक की कीमत कितनी रही, 560 रुपए। तो 60 की कीमत आ गई यहां पे 60 किताबों की, ठीक है। अब यहां पर जीएसटी लगाना है, तो जीएसटी का लेजर भी तो बनाना पड़ेगा, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये जीएसटी का लेजर भी बनाना सिखाया है, ठीक है। तो यहां पे लिखता हूं सीजीएसटी, ऑल्ट के साथ सी प्रेस कर दिया है तो ये विंडो आ गई है। अब यहां पे सीजीएसटी करेंगे। अच्छा, जो स्टॉक आइटम वाली विंडो है ना वो छोटी होती है, और जो लेजर क्रिएशन वाली विंडो होती है वो बड़ी आएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। आएगा कहां, ड्यूटीज एंड टैक्सेस एक ग्रुप होता है उसी में जाएगा ये, तो यहां पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर दीजिए। अच्छा, ये जीएसटी ही है, जीएसटी लगा दिया। सेंट्रल टैक्स है, सीजीएसटी माने सेंट्रल टैक्स, ठीक है। और फिर यहां पे आए नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे, यहां पे 3 कर देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस कर देता हूं। तो यहां पे देखिए जीएसटी अपने आप कैलकुलेट होकर आ गया, 18% के हिसाब से ये कैलकुलेट होकर आया है, ठीक है। फिर एंटर प्रेस करता हूं, अब फिर अल्ट के साथ सी, क्योंकि सी जीएसटी लगाएंगे तो उसके साथ आपको यस जीएसटी भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी सेम स्टेट की बात होगी, जैसे मान लीजिए कि आप धंधा करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई दुकान है, तो वो यूपी में है, ठीक है, और आप बेच भी यूपी में रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में दोनों लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगाएंगे। और ऐसा हो कि आप धंधा करते हैं, काम करते हैं, दुकान है आपकी यूपी में, और माल बेच रहे हैं एमपी में या किसी अन्य स्टेट में, तब लगेगा आईजीएसटी, ठीक है ना। तो यहां पे कर देता हूं एसजीएसटी, कर दिया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। यहां पर भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा, और यहां पर भी जीएसटी ही रहेगा, लेकिन यहां पर रहेगा स्टेट टैक्स, ध्यान रखिएगा। और यहां पे कर देता हूं नॉर्मल, और यहां पे 3 कर देता हूं, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो यहां पे देखिए 3024 यहां पे आ चुका है, ठीक है ना। अब ये पूरा जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर नरेशन डाल सकते हैं, नीचे आएंगे ना तो ये नरेशन का है, तो यहां पे लिखेंगे द स्टॉक आइटम। नरेशन में क्या लिखते हैं, द स्टॉक आइटम हैज बीन परचेज्ड, जो आपने किया वो लिख दीजिए, ठीक है। और ये हो गया, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, ये हो गया। अब जब इसको देखना होगा तो बाहर आ जाइए गेटवे ऑफ टैली पर, दो बार टी प्रेस कीजिए, देखिए ना आ गया है दोनों, यही वाला था ना। अब प्रिंट निकालना है तो ऑल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। इसका प्रीव्यू दिखा देता हूं कैसा प्रीव्यू आ रहा है, आई प्रेस कीजिए ना कीबोर्ड से, देखिए प्रीव्यू, ये है टैक्स इनवॉइस आपका, ठीक है। यहां पे देखिए ये आपका टैक्स इनवॉइस है। अगर आपको ज्यादा मन कर रहा है कि यहां पे टैक्स इनवॉइस नहीं चाहिए हमको, यहां पे हमें अपनी दुकान का नाम चाहिए या जिस दुकान से हमने लिया उस दुकान का नाम चाहिए, ठीक है, अपनी दुकान का नाम चाहिए, तो यहां पर एक तो कॉन्फिगर की विंडो है, इसी पे चले जाइए, ठीक है। और नीचे आइएगा, यहां पे देखिए नीचे आ जाइए टाइटल पर, तो ये टैक्स इनवॉइस दिख रहा है ना, ये टैक्स इनवॉइस हटा दीजिए, यहां पे लिख दीजिए रोहन, रोहन बुक डिपो, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लिया, इसको भी एक्सेप्ट करा लिया। अब देखिए इसका प्रीव्यू, ये देखिए क्या आ रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, देख रहे हैं रोहन बुक डिपो लिखा है, ओ हो गया है, यहां से आप चेंज कर लीजिए, गलती से हो गया है, ठीक से देखे नहीं है, तो यहां पर देखिए बुक होना चाहिए, बी छूट गया है और ओ हो गया है, तो यहां पर लिखता हूं, फिर से लिख देता हूं आर ओ एच एन रोहन बी डबल ओ के बुक और ये डिपो, ठीक है। अब यहां से कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, फिर कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, अब इसका देख लीजिए प्रीव्यू, तो देखेंगे तो रोहन बुक डिपो आएगा, देखिए आया है कि नहीं आया है, क्या लिखा है, रोहन बुक डिपो लिखा है ना, तो इस तरीके से ये आ जाएगा, बहुत ही आसान है तरीका ये, ठीक है। और इस तरह से आप बिल जनरेट कर पाएंगे टैली में, तो मैं बता चुका हूं पहले भी। अब फिर देखिए, अब ये तो एक्सेप्ट करा लिया हमने, अब इसी चीज को सेल करना है, एक ही आइटम सेल करता हूं, जल्दी से हो जाएगा बता दूं, वीडियो लंबी हो रही है, तो यहां पे आ जाइए और फिर वी प्रेस कर लीजिए वाउचर में, अभी परचेज वाउचर में, तो F8 प्रेस कीजिएगा फंक्शन बटन, तो सेल्स वाउचर में आ जाइएगा, आ गए। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर मत डालिएगा, यहां पे नया बनाना पड़ेगा, तो नेविगेशन की का प्रयोग कीजिए, आ जाइए यहां पर, नहीं तो अगर टैली ERP 9 यूज कर रहे हैं तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस कर दीजिए तो भी हो जाएगा, एंटर प्रेस करता हूं। यहां पर बनाना है आपको डेटर पार्टिकल लेजर, डेटर, डेटर का मतलब होता है लेन, कर्जा लेने वाला, ठीक है, तो उसे कहते हैं डेटर, और क्रेडिटर माने कर्जा देने वाला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सामान देने वाला क्रेडिटर और सामान लेने वाला डेटर, ठीक है। तो यहां पे करता हूं
अविनाश किराना, ठीक है, ये लिख दिया, एंटर प्रेस किया। अब यहां पे ग्रुप कौन सा आएगा, तो ये आएगा सन्ड्री डेटर, उस समय था सन्ड्री क्रेडिटर जब परचेज में एंट्री पास कर रहे थे, तो ये हो जाएगा सन्ड्री डेटर, डेटर कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया। यहां पर इनका एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं आप, छोड़िए ना, ये सब हो जाएगा बाद में। एंटर प्रेस कर लिया हमने, अब ये भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा किस चीज के थ्रू जा रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब चीजें। यहां पर इनका जीएसटी आईएन डाल लेता हूं मैं, ठीक है, यहां पे इनका जीएसटी आईएन मैं डाल देता हूं इस तरीके से। एंटर प्रेस किया। अब यहां पर आ गए, अब यहां पे क्या आएगा, सेल्स अकाउंट का, वहां परचेज अकाउंट का आया था याद है, तो यहां पे कर दिया सेल्स अकाउंट, ठीक है, एंटर प्रेस किया। ये आ गए, अब यहां पे क्या आएगा, सेल्स, देखिए सेल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये सेल्स अकाउंट कर दीजिए और फिर यहां से एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, हो गया। अब एक ही आइटम है, एक ही आइटम परचेस किया था, तो अब इसी को बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, अविनाश किराना, ये जो है डेटर पार्टी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सन्ड्री डेटर पार्टी है। अब क्या करेंगे यहां पे, तो एक ही आइटम है हमारे पास, केमिस्ट्री की बुक है, तो सी प्रेस कीजिए, केमिस्ट्री की बुक 60 पीस है, 59 पीस बेच देते हैं, तो ये 59 पीस हम बेच दिए। एक की कीमत क्या लगा रहे हैं, 560 रुपए का खरीद रेट पड़ा था, तो बेचेंगे तो कितना पड़ेगा, 670 में बेच दे रहे हैं, ठीक है, कुछ फायदा मिलेगा तभी ना बेचेंगे, आ गए। अब यहां पे जीएसटी इसमें भी लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा, सेम जीएसटी इसमें भी लगाइए आप, तो ये वही जीएसटी का लेजर इसमें लगा दीजिए, कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, नीचे चाहे तो नरेशन दे सकते हैं, तो ये हो गया काम आपका। दो बार डी प्रेस कीजिए, अब देखिए ये सेल्स वाली रिपोर्ट है, इसको प्रिंट करेंगे तो ऑल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और यहां से प्रीव्यू देख सकते हैं आप, ठीक है। अभी यहां पर भी टैक्स इनवॉइस आ रहा है, लेकिन हम टैक्स इनवॉइस नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं कि यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अविनाश किराना स्टोर, तो इसके लिए क्या करना होगा, ऑल्ट के साथ पी प्रेस करना होगा, और ऑल्ट के साथ पी प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर कॉन्फिगर पे आपको जाना है, जैसे ही जाएंगे तो नीचे टैक्स इनवॉइस आया हुआ है, तो ये टैक्स इनवॉइस है, तो यहां पर लिख देता हूं जो नाम है अविनाश किराना स्टोर, ये लिख दिया ना, एंटर प्रेस किया। अगर सेम नाम यहां पर भी देना चाहते हो तो यहां पर भी दे दीजिए, अविनाश किराना स्टोर, ठीक है, और इसको कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लीजिए, इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिए। अब इसका प्रीव्यू देख लिया जाए कैसा आ रहा है, तो ये देखिए अब यहां पे लिखा हुआ आ रहा है अविनाश किराना स्टोर, आप देख सकते हैं, मैं जूम करके भी दिखा देता हूं, अविनाश किराना स्टोर लिखा हुआ आ रहा है और ये तमाम डिटेल्स भी लिखी हुई आ रही है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। और यहां पे अथॉरिटी में किसका नाम आ रहा है, देखिए फॉर आरएनए चेक इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया। अब बाहर आते हैं इससे, ठीक है, बाहर आ गए, यहां पे करेंगे क्या कि अब इसका भुगतान भी तो करना है, हमने परचेज किया कहीं से तो परचेज किया होगा, तो परचेज वाले का भुगतान करेंगे, पेमेंट करेंगे, और सेल्स वाले में पैसा, भाई बेचेंगे तो पैसा रिसीव होगा हमको, तो सेल्स वाले में पैसा रिसीव करना है और परचेज वाले में देना है, ठीक है, तो चलिए दे दें और रिसीव भी कर ले, दोनों कर लिया जाए, तो यहां से आ जाइए पेमेंट वाउचर पे F5 प्रेस कर लीजिए। 1 अप्रैल के ही डेट में ये पैसा आप चुका भी रहे हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, रोहन बुक्स एंड स्टेशनरी ये पैसा देंगे, बेच दिया है इन्होंने, अभी इनको पैसा ये देना है, तो कितना रुपया इनके पे आ रहा है, कुल मिला के 39,648 रुपया आ रहा है, तो 39,648 रुपया इस तरीके से आप कर दीजिए यहाँ पे पेमेंट, ठीक है। अब देखिए अपने आप आ गया ये अगेंस्ट रेफरेंस, आपको देने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप इसी पे कर्सर आ गया, बिल नंबर उंबर सब आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैश में दे रहे हैं पैसा, बैंक से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं वो देख लीजिए, बैंक तो मैंने अभी बनाया नहीं है तो कैश ही है, तो ये कैश कर दिया, यहाँ पे आप डाल सकते हैं, अरे नरेशन फिलहाल मैंने नहीं डाला है। अब ये हो गया, ये तो हमने पेमेंट कर दिया, अब दोबारा जब जाएंगे ना तो इसमें दिखाएगा नहीं, क्योंकि आपने दे दिया ना पैसा, तो इनका चुका दिया सब, अब तो कुछ बाकी रहा नहीं। एंटर प्रेस करता हूं, यहाँ पे आए तो यही था ना। अब देखिए इनके पे जीरो बैलेंस हो जाएगा, देखिए यहाँ जीरो शो कर रहा है, ठीक है, बाहर आ जाइए। अब करना क्या है, अब जो डेटर पार्टी थी, तो चलिए F6 करते हैं, इनको रिसीव करवाते हैं, दोनों दिखाता हूं एक ही में, ठीक है, हालांकि दोनों अलग अलग कंप्यूटर्स पे एंट्रीज पास की जाएंगी, लेकिन समझना है भाई, हम एंट्री पास करने के लिए थोड़ी ना है, हम तो समझा रहे हैं ना, हम टीचर हैं तो हम समझा रहे हैं, तो एक ही पे दिखा दे रहा हूं, ठीक है,
अब जो काम करेगा तो जहां से खरीद के लाएगा वो होलसेलर पार्टी होगी, और ले जाके बेचेगा तो वो लोकल पार्टी होगी, ठीक है। जो हमारे घर के बगल में दुकान है वो कहीं से खरीद के लाते हैं, ठीक है, और हम लोग को थोड़ा ज्यादा में बेचते हैं तभी तो उनको मुनाफा होता है। चलिए अब यहाँ पे अब इनको पैसा रिसीव होगा, ठीक है, यहाँ पे आ गए, एक ही अप्रैल रखते हैं इसको, और यहाँ पर आएगा क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा अविनाश किराना। कितना क्रेडिट करना है, 46,646 रुपया, ठीक है। अब ये हम खाली 46,000 इनको कर रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, इसके पहले भी मैंने वीडियोस में बताया है सारी बातें। एंटर प्रेस करता हूं, यहाँ पे आए, अब यहाँ पे कर देंगे कैश, ठीक है, अगर बैंक है तो बैंक भी कर सकते हैं, कैश कर दिया, एंटर प्रेस किया, नरेशन डाल सकते हैं। अच्छा एमआरपी ऑप्शन तो रह गया, तो एमआरपी ऑप्शन भी देख लेते हैं कैसे आएगा। तो एमआरपी ऑप्शन अगर एक्टिवेट करना चाहते हैं तो सीधा चलना है स्टॉक आइटम में, या गया स्टॉक आइटम में, और यहाँ पर देखिए स्टॉक आइटम दिखेगा आपको, एंटर प्रेस कर लीजिए। एक ही स्टॉक आइटम हमने बनाया था, केमिस्ट्री बुक याद ही है आपको। अब यहाँ पर देखिए ये जो एमआरपी ऑप्शन है ये नो है, और मैंने इसे एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट कैसे किया है, जब यहाँ पर आएंगे ना स्टॉक आइटम में तो यहाँ पर आपको F12 फंक्शन बटन प्रेस करना है। जैसे ही फंक्शन बटन प्रेस करेंगे तो एक कॉन्फिग्रेशन की विंडो ओपन हो जाएगी, एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पर देखिए प्रोवाइड एमआरपी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, और इसको आपको यस रखना है। यहाँ से यस रखेंगे तो ये एमआरपी आ जाएगा यहाँ पर। अब जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर अगर आप एमआरपी शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पर वाई प्रेस कर दीजिए, वाई प्रेस करके और यहाँ पर एमआरपी की पूरी डिटेल दे दीजिए और कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए, तो अब ये एमआरपी आएगा। जब आप एंट्री पास करेंगे तो एमआरपी इसमें शो करेगा। तो देखिए मैं एंट्री पास करके दिखा रहा हूँ, परचेज वाउचर में है, किताब खत्म हो गई है, एक ही किताब बची है, तो 1 जून में एंट्री पास कर रहे हैं। आप चाहे तो डेट चेंज भी कर सकते हैं, F2 प्रेस करके यहाँ करिए 2/6/2020, ठीक है, एंट्री। अब ये 2/6/2020 में एंट्री पास होगी, यहाँ पे लिख देता हूँ 2/6/20, ठीक है, एंटर प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर दो पार्टीज दिख रही हैं, अविनाश किराना। अब ये किराना वाला किराने का ही सामान थोड़ी ना बेचेगा। अब हमारे यहाँ क्या होते हैं कि मान लीजिए थोड़ा टाउन एरिया है तो उसमें किराना वाला जो है स्कूल के बगल में दुकान है तो उसी से टाई अप कर लेते हैं लोग, कहते हैं ठीक है आप सारे बच्चों को हमारे यहाँ भेज दीजिए, हमको सस्ता में बच्चों को किताबें उपलब्ध करा देंगे, ठीक है, तो किताबों रख लेते हैं लोग और किताब वहीं से बच्चे खरीद लेते हैं। तो इससे मत कंफ्यूज होइएगा कि ये किराना स्टोर लिखा है तो यहाँ किताब नहीं मिलेगी, सब मिलेगा, सब जीनियस होते हैं, सब बेचते हैं सब। तो ये हो गया, अब यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पर देखिए क्या है, परचेज है तो यहाँ पे क्रिएटर पार्टी का लेजर आएगा, तो ये हमारी क्रिएटर पार्टी थी, ठीक है, हमने यही बनाया था याद है ना। अब यहाँ पर आ गए, इनका GSTIN नंबर डाल लीजिएगा, यहाँ पर परचेज अकाउंट कर लेंगे, और यहाँ पर आएंगे तो फिर वही किताब, देखिए एक ही पीस बची हुई है, ठीक है, तो यहाँ से एंटर प्रेस करके और इसको देखिए एमआरपी आ रहा ना, 820 रुपए एमआरपी आ रहा है, देखिए नीचे भी शो कर रहा है। अब मान लीजिए 4 किताब और परचेज कर लिया और 560 रुपए एक खरीद रेट पड़ा, ठीक है, और यहाँ पे CGST SGST लगा लेंगे, तो CGST कर दिया और फिर SGST कर लिया, ठीक है, और फिर इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब जब प्रिंट देखेंगे इसका तो यहाँ से देखिए इसका प्रिंट भी दिखाता हूँ, ये देखिए ऑल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पे प्रीव्यू दिखाता हूँ, देखिए ये प्रीव्यू है, इस तरह से ये प्रीव्यू आया हुआ है, देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से आया हुआ है, देख सकते हैं आप। अब चलते हैं बाहर आते हैं, ठीक है, और बाहर आने के बाद चूंकि इसको एक्सेप्ट करा लिया हमने कंट्रोल प्रेस करके, यहाँ से बाहर आ जाएंगे, अब इसी चीज को सेल करेंगे, ठीक है, अब सेल करेंगे तो चलिए ये देखते हैं कैसे सेल करते हैं। तो ये वाउचर में आगे F8 प्रेस कर लीजिए सेल्स वाउचर में जाने के लिए, आगे सेल्स वाउचर में यहाँ पर आएगा पार्टी का नेम, तो अविनाश किराना यही आएगी पार्टी हमारी, ठीक है, और एंटर प्रेस करके और यहाँ पर इस तरीके से आ गए और यहाँ पे सेल्स अकाउंट आएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो केमिस्ट्री की बुक थी प्रिंट कर दिया है, अगर हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर एमआरपी शो करेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आप, और यहाँ पे 4 बुक्स ये परचेस करेंगे तो इसके हिसाब से, अच्छा देखिए 670 रुपए का है लेकिन एमआरपी 820 रुपए है, तो 780 या 770 में ये बेचेंगे, ठीक है, 770 कर देते हैं, ठीक है, तो देखिए एमआरपी से कम रेट में, मतलब एक ये भी हो रहा है कि हाँ एमआरपी से कम रेट में बेच रहे हैं तो बच्चे यहाँ से आके किताबें खरीद लेते हैं, तो इनका भी रोजगार चलता रहता है। तो चलिए ये CGST लगा लिया और इस पे SGST लगा लिया, तो ये हो गया, ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लिया, तो ये हमारी एंट्री हो गई पास, तो एमआरपी ऑप्शन चालू करना आ गया।